दोस्तों बॉलीवुड में साईफाई एक्शन मूवी काफी कम देखने को मिलती है, और क्योंकि साईफाई फिल्मों में कड़ी मेहनत के साथ ही काफी बजट भी लगता है, और यही कारण है कि बॉलीवुड में कुछ ही साईफाई फिल्मों के नाम हमें दिखते हैं, जिसमें शामिल है रावण, क्रिश और 2.0। और दोस्तों ऐसे में आपने ऋतिक को तो साईफाई फिल्म क्रिश में देखा है, जो काफी जबरदस्त भी है, और जल्दी ऋतिक आपको क्रिश 4 में भी दिखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ सलमान खान को कभी किसी साईफाई फिल्म में देखा नहीं गया। जी हाँ, तो यह सलमान खान अब तक एक भी साईफाई मूवी में नहीं दिखे, लेकिन यह लगता है कि सलमान एक साईफाई फिल्म के साथ आपको जल्दी दिखेंगे। जी हाँ, तो डेविड धवन के बेटे और वरुण धवन के भाई रोहित धवन एक हाई बजट साईफाई एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ बताया गया है कि फिल्म के लिए रोहित ने पहले ऋतिक से बात की थी, क्योंकि ऋतिक इस फिल्म के लिए 100% फिट रहते। और यहाँ बताया गया कि ऋतिक को इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी काफी ज्यादा पसंद आई है, लेकिन यहाँ ऋतिक अपने आगे के प्रोजेक्ट के कारण रोहित को इस फिल्म के लिए हाँ नहीं कह पा रहे हैं। और यहाँ ऋतिक सुपर 30 और ऋतिक वर्सेस टाइगर जैसी फिल्में करने के बाद क्रिश 4 के साथ आपको दिखेंगे। और दोस्तों 2.0 के डायरेक्टर शंकर ने भी ऋतिक के साथ एक साईफाई एक्शन मूवी के लिए बात की है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि ऋतिक रोहित धवन की साईफाई एक्शन मूवी को शायद ही करेंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि रोहित धवन के पिता डेविड धवन ने इस फिल्म के लिए कई और एक्टर से बात की है। और इसमें मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक सलमान खान कर रहे हैं ये साईफाई मूवी। दोस्तों क्योंकि अब तक सलमान खान को किसी साईफाई मूवी में नहीं देखा गया है, तो इसमें सलमान खान की एक साईफाई मूवी तो देखना कमाल होगा ही। सत्यस्तु यदि सलमान खान ये मूवी करते हैं तो ये फिल्म आपको 2020 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों किक 2 के बाद सलमान खान की फिल्म अभी तक फिक्स नहीं है। तो ऐसे में किक 2 के बाद आपको सलमान खान की एक साईफाई मूवी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आप बताइए, आप सलमान खान की एक साईफाई एक्शन मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है? साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।